बहुत लोगों को मैट लुक पसंद आता है, पर हर कोई अपनी गाड़ी पर रीपेंटिंग नहीं करवाना चाहता। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी ग्लॉसी पेंटेड गाड़ी को मैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव गाइज, मैं हूँ आपका होस्ट परीक्षित। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं मर्सिडीज C300 कन्वर्टेबल। जब ये क्लाइंट हमारे पास ये गाड़ी लेके आए थे तो वो अपनी गाड़ी को थोड़ा कस्टमाइज भी करना चाहते थे, साथ ही साथ वो चाहते थे ऐसी सर्विस जहाँ पर उनके पेंट को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। उन्होंने हमें पहले ही बोला था गाड़ी को रीपेंट करने में या कलर चेंज करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस गाड़ी का कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर गाड़ी एक डेढ़ साल से यूज़ करते करते मैं अब थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ, तो मुझे इसका लुक थोड़ा सा चेंज करना है। तो उनको हमने बताया कि मैट PPF एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर उनकी गाड़ी का लुक भी कस्टमाइज हो जाएगा, साथ ही साथ उनका जो ओरिजिनल पेंट है उसको भी पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैंने बॉनेट पे उनको एक छोटा सा मैट PPF का सैंपल करके दिखाया और वो देखने के बाद उन्होंने बोला कि दिस इज व्हाट आई वांट। गाड़ी का जो ओरिजिनल ब्लू कलर है वो भी दिखेगा, गाड़ी सैटिन फिनिश में आ जाएगी तो थोड़ी डिफरेंट भी लगने लगेगी। और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस गाड़ी पर हम मैट PPF का एप्लीकेशन करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि PPF के ग्रेड्स बहुत अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज़ किया है दैट इज लूमार PPF। दिस मैट PPF कम्स विद अ 5 ईयर वारंटी। PPF में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक ग्लॉसी और एक मैट। आप अपनी ग्लॉसी पेंटेड व्हीकल को भी मैट PPF लगा सकते हैं। ग्लॉसी PPF जब आप अपनी गाड़ी पर लगाते हैं तो जो उसका ओरिजिनल फिनिश है वो और एनहांस हो जाएगा, पेंट में जो ग्लॉस रहता है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, बट गाड़ी वैसी की वैसी दिखेगी जैसी एक नई गाड़ी दिखती है। मैट PPF एक ऐसा ऑप्शन है जो आप अपनी मैट पेंटेड गाड़ी पर भी लगा सकते हैं और आप अपनी ग्लॉस पेंटेड गाड़ी पर भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आज की डेट में नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी गाड़ियों पर मैट फिनिशेस दे रहे हैं। आपने ऑटो एक्सपो में देखा होगा रैपिड का भी एक मैट फिनिश निकला था, आज की डेट में किया सेल्टोस पर भी मैट फिनिश आ रहा है। इन मैट फिनिशेस को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपकी गाड़ी का पेंट ग्लॉसी है तो टाइम के साथ क्लीन करने से और यूजेज के साथ वो डल हो जाता है। मैट पेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है, गाड़ी का जो ओरिजिनल मैट फिनिश है जैसे जैसे आप उसको क्लीन करते जाएंगे या उसको घसेंगे या फ्रिक्शन की वजह से मैट पेंट जो है वो सैटिन फिनिश की तरफ जाने लगता है। तो अगर आपकी 2 या 3 साल पुरानी मैट पेंटेड गाड़ी पर एक स्क्रैच आ गया और आप वो पर्टिकुलर पैनल पेंट कराते हैं, 100% कलर मैच होने के बावजूद भी वो पैनल दूसरे पैनल से थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि जो फ्रेशली पेंटेड मैट है वो बहुत ज़्यादा वाइट टोन देगा और जो पुराना मैट पेंटेड सरफेस है वो थोड़ा सैटिन या ग्लॉसी फिनिश देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप मैट पेंटेड गाड़ी खरीदें तो सबसे पहले अपनी गाड़ी पर PPF कराएं, क्योंकि और किसी भी तरीके की कोटिंग, ना सिरामिक कोटिंग ना कोई वैक्स उसको उतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा जितने अच्छे से मैट PPF कर सकता है।
ग्लॉसी पेंट पर जब हम मैट पीपीएफ लगाते हैं तो गाड़ी का पूरा लुक जो है वो मैट आ जाता है। जिन लोगों को मैट फिनिश गाड़ी पर पसंद है वो अपनी गाड़ी पर मैट पीपीएफ लगा सकते हैं। सिल्वर, ग्रे और ब्लैक, ये तीन ऐसे कलर्स हैं जिन पर मैट पीपीएफ ग्लॉसी फिनिश पर बहुत ही अच्छा आता है। आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो गाड़ियों पर कलर्ड पीपीएफ भी निकाल रही हैं, तो ज़्यादातर आप लोगों को नॉलेज होगा रैप के बारे में। ब्लैक कलर का ग्लॉस ब्लैक रैप आता है, वो तो सब आपने देखा ही होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें गाड़ी में यूज़ किया है ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ। ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ का एडवांटेज ये है कि ये सेल्फ हीलिंग है, ऑलमोस्ट पियानो ब्लैक ट्रिम जैसा लुक देता है। तो कस्टमर चाहते थे मेरी गाड़ी पर कहीं भी क्रोम ना दिखे, तो जितने एरियाज क्रोम में थे उस पर हमने ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ अप्लाई कर दिया। जो ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ हमने यूज किया है वो गरवारे कंपनी का है एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ 5 ईयर वारंटी। क्या है, मुझे थोड़ा कार्स का थोड़ा शौक है ना। हाँ, तो मैं जो भी काम करता हूँ थोड़ा एकदम हम समझ जो टॉप एंड रहता है ना उस पर काम करता है। बिफोर का शॉट देखोगे ना आपका, हाँ, डिफरेंस टोटल दिख रहा है। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, हम एक्साइटेड भी थे कैसे बन, क्योंकि बहुत अच्छा चॉइस है आपका। लाइक क्रोम को अपने ब्लैक करा दिया और मैट करा दिया, बहुत अच्छा जा रहा है। हम फुली सेटिस्फाइड टोटल। जो मेरा ये था ना मोटिव था ना, जो मुझे चाहिए था, सेकेंड टाइम है मेरा इसलिए थोड़ा रिलैक्स है। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों को आप सस्ते में प्रोटेक्ट करवाइए, पीपीएफ जो है वो सस्ते में आप अपनी गाड़ी पर करवा सकते हैं और इतना ज़्यादा कॉस्ट एक फिल्म का नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हम सब आप और मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हैं, हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि आप सभी को गाड़ियाँ उतनी पसंद है जितनी हमें पसंद है। जब भी कोई कंपनी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसके पीछे बहुत R&D करती है, बहुत रिसर्च करती है, प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म टेस्टिंग करती है। इसके लिए गरवारे, लूमार, एक्सपेल जैसी कंपनीज इतनी बड़ी हैं। ये कंपनीज जब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है तो इनके प्रोडक्ट रिजेक्शन रेट्स बहुत हाई होते हैं। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये इंश्योर करता है कि आपके पास जो है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आए। मैंने आप सबको पहले भी वीडियो में बताया कि गाड़ी पर TPU PPF लगाना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी PPF पर TPU का टैग लग जाए तो वो TPU PPF हो जाता है। प्लीज़ अपनी गाड़ी पर अच्छे ब्रांडेड, हाई क्वालिटी, रेप्यूटेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ कीजिए।
एक पीपीएफ को बनाने के लिए पीछे का ग्लू भी उतना ही मैटर करता है जितना लाइनर है, प्लास्टिक की क्वालिटी है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप किसी भी चाइनीज़ काउंटरफीट प्रोडक्ट को या फिर आप कोई भी लो क्वालिटी साउथ कोरियन प्रोडक्ट को इन प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे, वो आपको ग्लॉस या वो क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। लॉन्ग टर्म में उनका परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते हैं, आपके पेंट में जाके मेल्ट भी हो सकते हैं, आगे चल के उन्हें पेंट से सेपरेट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जिस पर्पज़ के लिए आपने अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट किया वो पूरा पर्पज़ डिफीट हो जाता है। मैंने आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखे हैं जो चाइना से इंपोर्ट करके लोग अपने ब्रांड्स के अंडर बेच रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट से भी प्लीज़ आप दूर रहिए। मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 6 साल से हूँ, मार्केट में 6-7 हज़ार रुपये से लेके 1.25 लाख का पीपीएफ कहाँ पर मिलता है मुझे पूरा आइडिया है। इंडिया में कहाँ कहाँ इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन कौन इन्हें इम्पोर्ट करता है, मुझे भी हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। पर हम लोग जान के उस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते कि हम नहीं चाहते कल को हमारे क्लाइंट्स को ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। अपनी गाड़ी पर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएं, और अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप लो क्वालिटी पीपीएफ फिल्म्स मत लगाइए अपनी गाड़ी पर, आप सेरामिक कोटिंग करवाइए, या अगर आपने वो भी नहीं करना है, अगर आपके पास वो भी बजट नहीं है तो अपनी गाड़ी पर आप प्लेन वैक्स भी लगवा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फ्रॉम 2,000 रुपीज़ टू ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ अपनी गाड़ी पर पेंट प्रोटेक्शन करने के लिए। मैटर सबसे ज़्यादा ये चीज़ करनी चाहिए कि आपको अच्छी सर्विसेज और अच्छे प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं। मैंने फर्स्ट हैंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस देखा है, हम लोगों ने बहुत टेस्टिंग किया है, मैंने लाखों रुपए इस पर खर्चा किया है सिर्फ देखने के लिए कि कहीं हम भी अपने कस्टमर्स के लिए कुछ इकोनॉमिकल प्रोडक्ट ला सके तो, बट टू बी फ्रैंक इट इज़ नॉट वर्थ इट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एंटरटेनिंग लगा होगा और मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की उस बारे में आप थोड़ा सोचेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू ब्रोटोमोटिव, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।